भारतीय सेना ने सीमा पार से पाकिस्तानी गोलीबारी का करारा जवाब देते हुए एलओसी पर स्थित पाकिस्तान की 5 चौकियां ध्वस्त की। इस कार्यवाही में पाकिस्तानी सैनिक हताहत हुए। जम्मू कश्मीर के शोपियां और उरी में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने कई इलाकों को घेर के रखा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक मालूम हुआ है कि जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकी को ढेर किया है। 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकी हमले का जबरदस्त जवाब भारत ने दिया है। भारत ने पाकिस्तान में जैसे मोहम्मद का सबसे बड़ा आतंकी ठिकाना ध्वस्त किया है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सतपाल मलिक ने पाकिस्तान में भारत की हवाई कार्रवाई के बाद महत्व की बैठक बुलाई है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्तमान कानून व्यवस्था और सुरक्षा की समीक्षा की। साथ ही राज्यपाल सतपाल मलिक ने सुरक्षा बलों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने नई दिल्ली में विपक्षी नेताओं को पाकिस्तान में स्थित जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर भारतीय हवाई सेना की कार्रवाई के बारे में विशेष जानकारी दी। बैठक के बाद सुषमा स्वराज का बयान सभी पार्टियों ने एक स्वर में सुरक्षा बलों को बधाई, साथ ही आतंक के खिलाफ सरकार की कार्रवाई का समर्थन भी किया। नए भारत के निर्माण में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल रंग लाती नजर आ रही है। राष्ट्रीय युवा संसद के माध्यम से देश के हर एक जिले से युवा ने आगे आकर युवा संसद में शिरकत की। आज प्रधानमंत्री मोदी अंतिम चयन में चुने गए कुछ युवाओं को सम्मानित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विज्ञान भवन पहुंचते ही लगे मोदी मोदी के नारे। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी युवा संसद के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। भारत के पाकिस्तान में जैसे मोहम्मद के ठिकानों पर हवाई हमले के बाद पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया और विमानों के घुसने पर आपत्ति जताई। भारत के हमले के बाद अपने ही घर में घिरे पाक प्रधानमंत्री इमरान खान, पाक संसद में शेम शेम इमरान के नारे लगे। पाक प्रधानमंत्री इमरान खान ने आज नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक बुलाई है। भारत और पाकिस्तान के हालात पर संयुक्त राष्ट्र की भी नजर है। यूएन के महासचिव ने दोनों देशों को संयम बरतने को कहा। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले पर बोले संघ प्रमुख भागवत का, पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों का 13वीं श्राद्ध सही तरीके से हुआ। भारतीय वायुसेना के द्वारा की गई एयर स्ट्राइक के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव बढ़ चुका है। इसी बीच रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीनों सेनाओं के सेना प्रमुखों के साथ बैठक बुलाई है। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेताओं पर भी सिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है। टेरर फंडिंग केस में कार्यवाही तेज करते हुए एनआईए ने श्रीनगर में अलगाववादी नेताओं के कई ठिकानों पर छापेमारी की। इसी बीच एनआईए ने आतंकी संगठनों के लेटर हेड बरामद करने का दावा किया है। कई संदिग्ध सुराग बरामद हुए। 1000 करोड़ के जालसाजे के मामले में बॉलीवुड के कई दिग्गज घिरे। तेलंगाना पुलिस ने शाहरुख खान समेत कई बड़े कलाकारों को पूछताछ के लिए किया तलब।